गुरुजी, वंदना का समय हो गया। भगवत अनुरागी एवं ब्रजभाषा के महान कवि श्री सूरदास का चरित्र चित्रण करना बड़े गौरव एवं अनुराग का विषय है। उनके पद अलौकिक एवं आनंददायक हैं। विनय के पद हों या फिर श्री कृष्ण के वात्सल्य या अन्य लीलाओं का वर्णन हो, इन सभी का इतना सजीव एवं मधुर चित्रण सूरदास जैसा नेत्रहीन पर अंतर चक्षुओं से परिपूर्ण कवि ही कर सकता है। सूरदास ने जनभाषा को ही अभिव्यक्ति का साधन बनाया और यही कारण है कि सूर साहित्य लोकप्रिय काव्य गीत बना। सूरदास जैसी महान आत्माओं के जीवन को लेकर अनेक धारणाएं हैं। वे इस पृथ्वी पर क्यों अवतरित हुए? क्या वे एक ऐसे अवतार थे जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी? श्याम सुंदर विराजू। प्रियाजू, आप कुछ परेशान सी दिखाई दे रही हैं। स्वामिनी जी, आप कौन से ध्यान में इतनी निमग्न हैं कि मेरे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रही? हे प्रिय, मुझे एक अद्भुत विचार सूझा है जिससे धराधाम पर माया से ग्रसित प्राणियों का उद्धार हो सके। ये कोई नई बात नहीं, आप तो साक्षात दया की मूर्ति हैं। आपका मुझ पर भी सदैव आग्रह रहता है मनुष्य मात्र को स्वर्ग ही नहीं निज धाम भेजने का। प्रियतम, यही तो आपका भी आंतरिक भाव है। मैं तो आपके ही विचारों की अभिव्यक्ति करती रहती हूँ। भक्त वत्सल, अधम उद्धारण और पतित पावन तो आपके ही प्रसिद्ध नाम हैं। प्रियाजू, वैसे विचार करके देखें तो सभी जीव हमारे ही अंश हैं। उसके नाते परमानंद की प्राप्ति उनका अधिकार है। और रही बात भटकते जीवों की और कर्म के अनुसार भोग भोगने की, तो उनके कर्म का विधान ही जीव को सचेत करता है स्वच्छ जीवन कैसे जिए। इस प्रमाण की बड़े सुंदर प्रकरण तो स्मरण मात्र से मुझे आनंद विभोर करते हैं। वो कैसे? मेरा विचार तो किसी और प्रसंग पर आपसे विमर्श करने का था, आपने तो एक और ही मधुर प्रसंग छेड़कर मुझे आनंद विभोर कर दिया। अच्छा,
तो प्रियाजू तुरंत मुझे भी उस आनंद का भागीदार बनाए ना। आपने जीव को उबारने का प्रसंग छेड़ा। आप कहते हैं कि इस विषय में मेरा हृदय उदार है। आप तो भक्तहित के काज आधा नाम तक पुकारने की प्रतीक्षा नहीं करते। अनेकानेक प्रसंगों में जैसे गज को ग्राह से छुड़ाने के लिए आपने नंगे पांव गरुड़ के सवारे की भी प्रतीक्षा नहीं की, और शिक्षा गुरु संदीपनी की पत्नी के लिए तो आपने असंभव को संभव कर दिखाया। यमलोक से उसके मरे हुए पुत्र को लौटा लाए। और क्या क्या कहूँ, सुदामा का दारिद्र्य ही नहीं हरा, उसको अपनी द्वारिका सरीखा महल दे दिया। द्रौपदी ने आपको दो शब्दों में ही रिझा लिया। और बस बस, अब सारी बात ही कह दोगी तो असली बात तो रह ही जाएगी। स्वामिनी जी, अभी अभी आपने कहा था कि आपको एक विचार सूझा था प्राणियों के उद्धार का, किंतु राधे, प्राणियों का नर्क, स्वर्ग या मेरे धाम में जाना उनके कर्मों पर ही निर्भर करता है। आपने कहा और मैंने माना, जीव अपने कर्म भोग ही भोगता है, परंतु हम यह तो कर सकते हैं कि वह सत्कर्म करे। क्यों नहीं। हाँ, तो मैं यह कहना चाहती थी, किसी कुशल परिकर को धराधाम पर भेजा जाए जो हमारी प्रकट और अप्रकट लीलाओं को रचे और जनमानस को सुनाए। इससे जीव हमारे निकट आएंगे और उनकी पाप की वृत्ति समाप्त हो जाएगी। ये तो साधारण सी बात है। युगल सरकार को मेरा प्रणाम है। आइए उद्धव जी। स्वामिनी जी, आपकी इच्छा पूर्ण हो गई। उद्धव जैसे महान भक्त, परम ज्ञानी और कुशल परिकर के द्वारा ही हमारा कार्य पूरा होगा। अब आप इस विचार से बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, हम आपका ही स्मरण कर रहे थे। मेरे अहोभाग्य जो प्रभु आपने मुझे याद किया। कहिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है। हम दोनों की इच्छा थी कि आप पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में अवतरित हों। प्रभु, अगर आपके मन में ये विचार प्रकट हुआ है तो कोई प्रबल कारण अवश्य होगा। उद्धव जी, हम विचार कर रहे थे कि हमारी गुप्त प्रकट सभी लीलाओं का जगत में प्रसार कैसे हो, जिसके स्मरण से प्राणियों का उद्धार सुलभ हो सके। इसीलिए हम आप जैसे कुशल परिकर को धराधाम पर भेजना चाहते थे। प्रभु, आपकी हर आज्ञा मुझे शिरोधार है। आप तीनों लोगों के स्वामी हैं तथा सर्वव्यापी हैं, परंतु मृत्युलोक, प्रभु, मृत्युलोक पाप, लोभ और ईर्ष्या से भरा हुआ है। आप क्यों कर मुझे इसका भागीदार बनाना चाहते हैं। मैं तो आपके इन्हीं चरणों में संतुष्ट हूं तथा दूसरे लोक में बसे मनुष्यों को मैं अपनी इन आंखों से देखना नहीं चाहता। उद्धव, तुम्हारा इस प्रकार सोचना बिल्कुल स्वाभाविक है। पृथ्वी लोक पर प्राणी पाप और लोभ में घिरकर सत्कर्म को भूल रहे हैं, और केवल वे हमारी लीलाओं के स्मरण मात्र से ही अपने आप को इस कुकर्म रूपी दलदल से बाहर निकाल पाएंगे। इसके लिए आवश्यक होगा कि आप मनुष्य रूप में अवतरित होकर संसार को बताएं कि मैं ही सब प्राणियों में विद्यमान हूं। और रही बात मनुष्यों को देखने की, प्रभु, आप ठीक समझे तो मैं नेत्रहीन अवस्था में आपकी लीलाओं को गाऊं। हाँ, ये ठीक है, हम भी यही सोच रहे थे। तुम्हारा कार्य होगा हमारी प्रकट और अप्रकट लीलाओं का वर्णन करना। तुम्हारे रचे पद भक्तों को अलौकिक सुख देंगे। भक्त मुझ में विभोर हो जाएंगे और मैं भक्तों में मग्न। प्रभु प्रभु प्रभु, आप ऐसा ही करिए। परंतु परंतु चुप क्यों हो गए। परंतु नेत्रहीन दशा में मैं असहाय, लाचार व दूसरों पर निर्भर न रहूंगा। उद्धव, तुम्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। तुम्हारे अंतरचक्षु इतने प्रबल होंगे कि तुम अपनी इच्छा अनुसार किसी भी वस्तु की यथार्थ कल्पना कर पाओगे, और तुम नेत्रहीन होते हुए भी
वो सब देख पाओगे जिसकी तुम इच्छा करोगे। तुम्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा और माया कभी भी तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगी। प्रभु, सुनो, पूजा को समय है गयो है, यहाँ आ जाओ। आयो श्याम, पीताम्बर, तेरे दोनों लाड़ले कहाँ हैं? दिन भर घर के बाहर डोलो करे हैं, पूजा के समय भी घर पर नहीं रह सके। अरे यही कहीं होंगे, हवा ला जाएंगे। आप पूजा तो आरंभ करो। हे प्रभु। लाला, आज हम कृष्ण वंदना करेंगे। माँ, कृष्ण कितने सुंदर हैं और मनमोहक भी। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के नंद मोहन ब्रिज चंद। परम आनंद राधिका रमण बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांतिकारी, श्री राधे वामिनी सी प्यारी। लतन में ठाड़े बनवारी, भ्रमर सम अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सौ सुमन बहुत बरसे, बजत मृदु चंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग लाज रख गोप कुमारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी। लाला कहाँ खोए गए? मैया, मैं तो कृष्ण का स्मरण कर रहा था। वे ही तो मेरे सच्चे सखा हैं। सूरज, ये देख, मैं तेरे लिए काल आया हूँ। कहाँ पिताजी? बांसुरी। बांसुरी? हाँ, माँ याद आया, कृष्ण बांसुरी बजाकर गोपियों को बुलाते हैं और रास रचाते हैं ना? हाँ, ये तो है, पर तोय कौन ने बताई? माँ, कृष्ण तो अपनी गायों को भी इसी बांसुरी से टेरते हैं। हाँ, कौन बतावे है तो ये सब बातें? मेरी आंखें नहीं है माँ, परंतु मुझे याद है, मैंने कृष्ण को पिछले जन्म में अवश्य देखा है। अच्छा, कहाँ कहाँ जाने हैं कन्हैया के बारे में? मामा कंस को समाप्त कर कृष्ण मथुरा में ही रुक गए। गोपियों को दिए वचन के अनुसार वह वृंदावन नहीं लौट पाए। और माँ, तुम तो जानते ही हो, कृष्ण का एक अंतरंग सखा उद्धव था, ऐसे ही जैसे कृष्ण मेरे सखा,
समझो मैं ही उद्धव हूँ। अच्छा तो उद्धव कथा कौन ने बताई? मैंने कहा ना माँ, मुझे पिछले जन्म की सब याद है। जा अधिक मत बोले तो मेरी नजर न लग जावे। उद्धव ने कहा, सकलेश्वर सर्वस्व रूप सर्वात्मा स्वामी श्री कृष्ण चंद्र का वृंदावन के स्मरण से व्याकुल होना मेरी समझ में नहीं आता था। वे आत्माराम, आप्तिकाम, पुरुषोत्तम इतने विह्वल, मुझे अपनी सेवा का अधिकारी बनाने के लिए ब्रज भेजा। कहा गई तो ए? मेरा मतलब उद्धव को। अच्छा तो मैं मतलब उद्धव अपने ज्ञान का अभिमान लेकर चला था कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसे मैं समझा ना सकूं। परंतु प्रारंभ में ही मेरे मन की स्थिति कुछ बदली जब कृष्ण ने रुंधे स्वर में मुझसे कहा, मेरी मैया, मेरे सखा, मेरी गोपियां, मेरी प्रिया श्री वृषभानु सुता। स्वामी केवल यह शब्द कहकर मानो मूर्छित हो जाएंगे। सुरा, तेरे में तो भावुकता कूट कूट के भरी है, कहां थे आई? कहां ना माँ, मैं ही उद्धव हूँ, तो मुझे उद्धव ही समझो। कृष्ण बोले, मेरी गायों को देख लेना, उन्हें सहलाना और अपने हाथ से अवश्य कुछ खिला आना। गोपियों की चर्चा की तो कहा, उन्होंने मेरे लिए स्वजन परिकर परलोक सब त्याग दिया है, उन्होंने मेरे लिए। माँ माँ, मैं वृंदावन 3 दिन के लिए गया और 6 मास तक रहा। मेरे वापस आने की इच्छा ही नहीं हुई। यहाँ इस रूप में बस जाना तो बहुत बड़ी बात है माँ। इतना सौभाग्य, इतने पुण्य मेरे नहीं हो सकते। किंतु माँ, मैं तो इस ब्रज में तृण लता वृक्ष गुल्म कुछ भी होकर रहना चाहता हूँ। मुझे तो बस इन गोपियों की पदरज प्राप्त होती रहे, यही एकमात्र, यही अभिलाषा मेरे मानस में अब शेष रह गई है। सूरज, यही तो कही उद्धव ने, तो ये सब भाव की बातें कौन बतावे है लाला? माँ, मैंने कृष्ण से आरत प्रार्थना भी की कि मुझे ब्रज की रेणु, ब्रज की रज बना दो, ताकि मैं मेरे माधव की गोपियों के चरणों से सदैव पावन होता रहूं। माँ, आज 4500 वर्ष पश्चात भी मेरी यह प्रार्थना मेरे सखा कृष्ण ने स्वीकारी नहीं। मैंने जब जब उनसे आग्रह किया, उन्होंने इसे हंसकर टाल दिया। माँ, श्रीमद् भागवत में उद्धव ने यही तो आग्रह किया हो, और कहाँ जाने है लाला तू? मैंने कहा ना माँ, मैं ही उद्धव हूँ, मुझे पिछले जन्म की याद है। पिछले जन्म में मैं ही उद्धव था, और अभी भी मेरे सखा कृष्ण ने मुझे एक विशेष कार्य के लिए पृथ्वी पर भेजा है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे है? क्या बात कर रहे है सूरज? सब आए बाए बोले है जी, परंतु यहाँ में कछु है, ये साधारण बालक तो है ही ना सके। सबसे बड़ी असाधारणता तो यह बालक में यही है कि जे अंधो है। हम सबन पर पूछ, कैसी जली कटी बातें कर रहे हो? ऐसी बातें शोभा ना देवे हैं। अरे जैसा भी है, मेरा लाल है,
तुम यहाँ के वास्तविक रूप है ना जानो हो। आए वे वारे समय में पता चलेगी कि ये गुदड़ी को लाल है, ऐसा बहुमूल्य हीरा जाको ये संसार युग युगांतर तक मूल्यांकन ना कर पाएगा। ऐसो का कह दियो तेरे गुदड़ी के लाल ने कि तेरो मन मोह लियो। सूरज सूरज तू ही बताना उद्धव की बात। शब्दावली पूरी तो याद नहीं माँ, परंतु कुछ शब्द तो तीक्ष्ण बाण से भी अधिक हृदय भेदी थे। गोपियों ने कहा, उद्धव जी हम किसी भी प्रकार मरकर भी कान्हा को भूल नहीं सकती। उनकी वह हंसी सुंदर चाल, उन्मुक्त हास्य, विलासपूर्ण चितवन और मधुमेह वाणी, आहा, उन सब ने तो हमारा मन हर लिया है। हमारा मन हमारे वश में नहीं है, अब हम उन्हें भूले तो किस तरह। ये भाव तो श्रीमद् भागवत के ही है। अवश्य तोए कोई ने भागवत की कथा सुनाई होगी रे। अच्छा और सुना। गोपियों ने रुदन करते हुए कहा, हमारे प्यारे श्री कृष्ण, तुम ही हमारे जीवन के स्वामी हो, सर्वस्व हो। प्यारे तुम लक्ष्मीनाथ हो तो क्या हुआ, हमारे लिए तो ब्रजनाथ हो। श्याम सुंदर, तुमने बार बार हमारे व्यथा मिटाई है, हमारे संकट काटे हैं। गोविंद, तुम गौओं से बहुत प्रेम करते हो ना, तो क्या हम गौएं नहीं हैं? तुम्हारा यह सारा गोकुल जिसमें ग्वाल बाल माता पिता और गौएं सब कोई है, दुख के अपार सागर में डूब रहा है, आओ इसे बचाओ, हमारी रक्षा करो। ऐसा तो भागवत में लिखो है। जी पिताजी, लिखा है क्योंकि गोपियों ने ऐसा कहा है। वाकई पश्चात तो गोपियों ने आत्मसमर्पण ही कर दी। जी, वह भी अत्यंत मार्मिक और हृदय स्पर्शी है। गोपियां उद्धव से कहती हैं, उद्धव जी अब हम यही चाहते हैं कि हमारे मन की एक एक वृत्ति, एक एक संकल्प श्री कृष्ण के चरण कमलों के ही आश्रित रहे, उन्हीं की सेवा के लिए उठे और उन्हीं में लगा रहे। हमारी वाणी नित्य निरंतर उन्हीं के नामों का उच्चारण करती रहे और ये शरीर उन्हीं को प्रणाम, उन्हीं की आज्ञा पालन और सेवा में लगा रहे। ये सब तूने कैसे याद कर लियो? चल कल तो भी कथा में ले चलूंगा, पर वहां पर शांत रहियो। जी पिताजी। Don't you?